रावण के वध और महाराज विभीषण के राज्याभिषेक के बाद जब श्री राम को माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या वापस लौटना था तब प्रभु श्री राम बहुत चिंतित थे। महाराज विभीषण ने श्री राम को चिंतित होता देख उनसे पूछा, हे प्रभु, सेवक के होते हुए हमारे स्वामी को आखिर किस बात की चिंता है? विभीषण, हमारे वनवास के 14 वर्ष की अवधि पूर्ण होने में केवल 2 दिन ही शेष हैं, और हमारे छोटे भाई भरत ने ये शपथ ली थी कि हमें अगर अयोध्या पहुंचने में 1 भी दिन की देरी हुई तो वो जलती चिता में कूद जाएंगे। हमारा भाई जितना भावुक है उतना ही हठीला भी है, इसलिए हमें इस बात की चिंता है कि हमारे वनवास की अवधि पूरी होने में केवल 2 ही दिन शेष रह गए हैं और अयोध्या बहुत दूर है। 2 दिन में हमारा वहां तक का सफर पूर्ण कर पाना मुमकिन है? हे प्रभु, आप चिंता ना करें, आपके सेवक में अभी इतना सामर्थ है कि वो आप सबको अपने कंधे पर बिठाकर 1 ही दिन में अयोध्या पहुंच सके। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है हनुमान जी, आखिर हमारा पुष्पक विमान किस दिन काम आएगा? पुष्पक विमान को जितना बड़ा करना चाहें हम कर सकते हैं और जितना छोटा करना चाहें उतना छोटा कर सकते हैं, आप सब निश्चिंत होकर उसमें जा सकते हैं। इसके बाद विभीषण उनके कहने पर पुष्पक विमान मंगवाते हैं और फिर उन्हें खुशी खुशी विदा करते हैं। राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में राम हनुमान से कहते हैं, हनुमान, लंका पर विजय और वनवास के दौरान जिन लोगों ने हमारी तन मन से सहायता की, हम उन सब लोगों से मिलते हुए अयोध्या लौटना चाहते हैं और हमें लगता है इन सब में हमें काफी समय लग जाएगा, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम शीघ्र अयोध्या जाओ और वहां पहुंचकर भरत को हमारे आने की सूचना दो। जो आज्ञा प्रभु, मैं अभी अयोध्या जाकर भरत को आपके लौटने का सुखद समाचार सुनाता हूँ। इतना कहकर हनुमान अयोध्या की तरफ उड़ान भरते हैं, जबकि प्रभु राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ महर्षि के आश्रम की तरफ निकल जाते हैं। कुछ ही देर बाद हनुमान अयोध्या पहुंच जाते हैं। अयोध्या में हनुमान सबसे पहले भरत से मिलते हैं। राम के बिना भरत तो लगभग मृत्युशैया पर ही पहुंच चुके थे। हनुमान भरत से मिलकर राम के जल्दी लौटने का शुभ समाचार उन्हें सुनाते हैं। प्रभु श्री राम 14 वर्ष बाद अयोध्या लौट रहे हैं, आप अयोध्या वासियों के साथ मिलकर उनके स्वागत की तैयारियां कीजिए। जैसे ही भरत को ये संदेश मिलता है उनको मानो नया जीवन मिल जाता है। क्या मेरे भ्राता राम आ रहे हैं? फिर हर्ष और आनंद में मगन होकर सबको ये संदेश सुनाने लगते हैं। सुनो सुनो नगरवासियों, मेरे भ्राता श्री राम अयोध्या लौट रहे हैं, हम सब के राम अब बस आने ही वाले हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही आनंदमय और सुखमय संदेश है, ये सुनने के लिए हम सब कब से प्रतीक्षा कर रहे थे। ये संदेश मिलते ही अयोध्या में उत्सव की तैयारियां होने लगती हैं। अयोध्या में केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि प्रकृति भी हर्ष और आनंद में डूब जाती है। सब राम के दर्शन को आतुर हो उठते हैं। माँ, मैं भी प्रभु राम के दर्शन करूँगा। हाँ जरूर करना बेटा, राम अयोध्या इसी मार्ग से होते हुए जाएंगे। ये हमारे राम वापस लौट रहे हैं। और आखिरकार वो दिन भी आ जाता है जब श्री राम अयोध्या लौटते हैं। सारा नगर जय श्री राम, जय श्री राम के नारों से गूंज उठता है। श्री राम को देख सब बहुत ही खुश होते हैं। सारा अयोध्या दीप और रोशनी से जगमगा उठता है। प्रभु श्री राम पर सभी नगरवासी फूलों की वर्षा कर उनका स्वागत करते हैं। प्रभु राम के लौटने से तो आज अयोध्या का हर कोना आनंद की रोशनी से जगमगाने लगा है। स्वर्ग से सभी देवगण भी पुष्प वर्षा करने लगते हैं। अयोध्या के महल में स्वागत के लिए कौशल्या माँ हाथ में स्वागत की थाली लिए सुमित्रा भरत कुलगुरु के साथ खड़ी होती हैं। लेकिन कैकेयी माता को वहाँ ना पाकर लक्ष्मण कहते हैं, कैकेयी माता कहाँ है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वो हमारे स्वागत के लिए नहीं आई। फिर राम बिना किसी से कुछ कहे सीधा महल के अंदर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कैकेयी पश्चाताप के कारण अपने कक्ष में बैठकर आंसू बहा रही होती हैं। तब श्री राम और माता सीता उनके पास जाते हैं और उनके पैर छूने की कोशिश करते हैं। चरण वंदन माता,
लेकिन कैकई उनसे मुंह मोड़ लेती हैं और आशीर्वाद नहीं देती। क्या आप अपने पुत्र राम से रुष्ट हैं माता? ऐसा कहकर तुम हमें लज्जित न करो राम। फिर आप औरों के साथ हमें आशीर्वाद देने हमारे स्वागत के लिए क्यों नहीं आई माता? अपने कर्मों के अंधकार से घिरी हुई ये कैकई उस राम के समक्ष कैसे आती जिसने अपने कर्मों से सारे संसार को आलोकित किया हुआ है। सच कहूँ तो मुझे भय था पुत्र कि तुम मुझे क्षमा करोगे भी या नहीं। माता, कोई भी पुत्र माता को क्षमा करने योग्य नहीं हो सकता। पुत्र के लिए तो माता का आशीर्वाद और उनका स्नेह ही सब कुछ होता है। नहीं नहीं, लेकिन भला मैं तुम्हें किस मुख से आशीर्वाद दूं पुत्र? मेरे कारण तुम्हें और सीता को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। ऐसे ना कहे माता, केवल आपके कारण ही तो मैं वो अमूल्य निधि प्राप्त कर सका हूँ। साधारण मनुष्यों का जीवन जीकर ही तो उनके सुख दुख का वास्तविक अनुभव प्राप्त हो पाता है। और फिर यदि मैं वनवास नहीं जा पाता तो रावण का वध कैसे होता? और माता, आपके कारण ही तो एक नए राम का जन्म हुआ है। राम की कीर्ति को सारे संसार में विस्तारित करने का श्रेय तो मात्र आपको ही है माता। अब तो आशीर्वाद दे दीजिए माता। फिर कैकई अपने आंसू पोंछती हैं और प्रसन्न होकर राम और सीता को आशीर्वाद देती हैं। इस माँ का आशीर्वाद है तुम दोनों को। जब भी पुरुष धर्म की बात होगी तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को ही याद किया जाएगा, और जब नारी आचरण की बात होगी तो सब सीता का ही उदाहरण देंगे। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं। फिर कैकई माता, कौशल्या और सुमित्रा माता के साथ मिलकर प्रभु राम, माता सीता और लक्ष्मण का स्वागत करते हैं। सारा राजमहल दियों की रोशनी से जगमगा उठता है। अयोध्या की इस रोशनी से कार्तिक मास की कालरात्रि भी जगमगा उठती है। उस दिन भगवान राम के अयोध्या आगमन पर उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक जो उत्सव मनाया गया, वही समस्त भारत में दीपावली के त्योहार के रूप में मनाया जाने लगा, और वो आज भी पूरी श्रद्धा और प्रसन्नता के साथ मनाया जाता है। नारायण नारायण, पूरा स्वर्ग लोक दीपक की रोशनी से जगमगा रहा है। कितना सुंदर वातावरण है। प्रणाम देवी लक्ष्मी। प्रणाम देवर्षि नारद। भगवान गणेश, भगवान कुबेर सहित सभी देवी देवता आज दीपावली का त्योहार मना रहे हैं। मेरा तो मन ये सब देखकर अति उत्साहित है। देवी लक्ष्मी, ये देखिए पृथ्वीवासी कितने ढेरों मिष्ठान आपको भोग लगा रहे हैं। हाँ देवी लक्ष्मी, आपको जो भी भक्त भोग लगा रहा है वो प्रसाद और मिष्ठान सीधा स्वर्ग में पहुँच रहा है। मिष्ठान बहुत ही स्वादिष्ट है। सचमुच यह दिवाली का त्योहार तो बहुत ही सुंदर है, निराला है। स्वर्ग में चारों ओर दीपावली के त्योहार की धूम मची थी। पूरा स्वर्ग दीप मालाओं से सजा हुआ था। देवी लक्ष्मी भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय, शिव पार्वती, भगवान कुबेर, देवी दुर्गा, देवी सरस्वती, प्रभु श्री राम, देवी सीता, लक्ष्मण तथा हनुमान सहित ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवी देवता दीपावली के त्योहार का आनंद ले रहे थे। देवी लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर जाने लगी। आप सब देवी देवता दिवाली के त्योहार का आनंद लीजिए, तब तक मैं भगवान गणेश और भगवान कुबेर के साथ पृथ्वीवासियों को दर्शन देकर आती हूँ। पृथ्वी लोक तो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। दीप मालाओं की रोशनी पूरे पृथ्वी लोक पर जगमगा रही है। देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश, भगवान कुबेर आज पृथ्वीवासियों को धन समृद्धि और वैभव से परिपूर्ण करने जा रहे हैं। अब देखना यह है कि किसके भाग्य में ये मीठा फल ग्रहण करना लिखा है और कौन इस परीक्षा में सफल होता है। इसके पश्चात देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश और भगवान कुबेर तीनों पृथ्वी लोक के भ्रमण के लिए और भक्तों को दर्शन देने के लिए चल पड़े। भगवान गणेश, भगवान कुबेर, हम तीनों अब रूप बदल लेते हैं ताकि हम अपने भक्तों की परीक्षा ले सकें। जो आज्ञा देवी लक्ष्मी। पर आखिर हम कहाँ जाने वाले हैं देवी लक्ष्मी? जो भक्त हमारा प्रेम और सच्चे हृदय से स्वागत करेगा, हम उसी के घर जाएंगे और उसी का उद्धार करेंगे। और वे तीनों रूप बदल कर साधारण मनुष्य की भांति शहर में भ्रमण करने लगे। हर घर में रौनक थी, सब तरफ खुशहाली और उल्लास था। धन वैभव से परिपूर्ण लोग दीपावली के त्योहार का आनंद ले रहे थे।
एक घर में देवी लक्ष्मी का पूजन हो रहा था। आरती की आवाज देवी लक्ष्मी के कानों में पड़ी। ढेरों पकवान पूजा में रखे हुए थे। देवी लक्ष्मी ने उस घर का द्वार खटखटाया। सुनो जी, ये गुलाब जामुन, रसगुल्ले, बर्फी, पेड़ा देवी लक्ष्मी को भोग लगाओ, ताकि वो खुश होकर हमें खूब धनवान करें और रात को हमारे घर आए। कहते हैं उन्हें अच्छे से खुश करो, उन्हें भोग आदि लगाओ, तो वो दिवाली की रात को हमारे घर जरूर आती हैं। बहन, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? हम तीनों कई दिन के भूखे हैं। आज दिवाली का त्योहार है, पर हमारे पास पैसे नहीं है। कुछ मदद मिल जाती तो बड़ी कृपा होती। अरे भाग्यवान, ये तुमने दरवाजा खुला क्यों छोड़ दिया है? तुम्हें पता है ना आज दिवाली है, तो ये भीख मांगने वाले ऐसे ही तंग करेंगे। अरे दिवाली के दिन दरवाजे बंद नहीं करते, इसी वजह से मैंने खुला छोड़ा था। अब मुझे क्या पता था ये भिखारी पूरी पकवान देखकर मांगने चले आएंगे। चलो जाओ यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। हमारे पास कोई धन के भंडार नहीं भरे हुए जो हम तुम गरीबों को बांटते फिरे। चलो जी, लक्ष्मी जी की आरती करो और लक्ष्मी गणेश और भगवान कुबेर को भोग लगाओ। मैंने दरवाजा बंद कर दिया है। लक्ष्मी, गणेश और कुबेर तीनों मुस्कुरा देते हैं और वहां से चले जाते हैं, शायद उन सेठ सेठानी का जो उद्धार नहीं होना था। देवी लक्ष्मी तो उनकी परीक्षा ले रही थी। कहते हैं गरीबों की मदद करने वाला भगवान को प्रिय होता है। भगवान किस रूप में आ जाए किसी को नहीं पता, इसलिए अपने द्वार पर आए किसी भिक्षुक को और गरीब बेसहारा को दुत्कार कर नहीं भगाना चाहिए। और वो किस्मत के मारे सेठ सेठानी, साक्षात देवी लक्ष्मी, गणेश और कुबेर को ही द्वार से भगा देते हैं। इसके पश्चात वे तीनों भ्रमण करते हुए चल रहे थे, अचानक उन तीनों की नजर रोते हुए दो छोटे बच्चों पर पड़ी। दीदी, माँ तो कह रही थी कि बापू आज हमारे लिए बहुत सारे पटाखे लाएंगे, पर वो तो हमारे लिए कुछ भी नहीं लाए। राजू भैया, बापू को बुखार है ना, इसलिए वो मजदूरी करने नहीं गए। माँ के पास पैसे नहीं है, तू रो मत। वो देख, सामने सब लोग पटाखे और फुलझड़ी जला रहे, तू यहाँ बैठ कर देख, अच्छा लग रहा है ना? नहीं दीदी, मुझे खुद जलाने हैं पटाखे, और मुझे तो बहुत सारी मिठाई भी खानी है। दिवाली पर सब नए कपड़े पहनते हैं, मिठाई खाते हैं, पटाखे चलाते हैं, फिर हम क्यों नहीं दीदी? राजू भैया, तू तो मेरा राजा भैया है ना, अगर तू ऐसे रोएगा तो माँ को बहुत दुख होगा। चल हम अंदर चलकर खिचड़ी खाते हैं। पता है माँ ने आज खिचड़ी बनाई है? भगवान गणेश, भगवान कुबेर, चलो आज हम इस घर में रहने वाले भक्त जन की परीक्षा लेते हैं। वे तीनों भी बच्चों के पीछे उनके घर पहुँचते हैं और द्वार से ही भगवान गणेश उन्हें आवाज लगाते हैं। माई, दिवाली का त्योहार है, क्या हम तीनों को यहाँ से थोड़ा भोजन प्राप्त हो सकता है? सुनो जी, लगता है द्वार पर कुछ लोग आए हैं और वो भूखे हैं। आप ये दवाई लो, मैं तब तक उन्हें देखती हूँ। हाँ हाँ, आज तो दिवाली का त्योहार है, आप लोग भूखे नहीं रहेंगे। मैंने खिचड़ी बनाई है और अभी पूजन में भोग लगाने ही जा रही थी। आप कुछ देर विश्राम कीजिए, मैं दिवाली का पूजन कर लूँ, फिर आपको खिचड़ी का प्रसाद खाने के लिए दूंगी। हाँ बहन, कोई बात नहीं, तुम पूजन और आरती कर लो, तब तक हम तीनों यहीं बैठे हैं। सुमित्रा, उसके पति और दोनों बच्चे, माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश, भगवान कुबेर और सभी देवी देवताओं की मन से आरती और पूजन करते हैं। प्रभु की लीला भी कितनी न्यारी है। आज साक्षात तीनों देवी देवता उस पूजन में वहाँ बैठे हुए थे। उसके पश्चात सुमित्रा खिचड़ी का भोग लगाकर उन तीनों को खाने के लिए खिचड़ी देती है। क्षमा करना अतिथि देव, आज प्रसाद में सिर्फ खिचड़ी ही भोग लगा पाई। क्या करूं, मेरे पति की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है, इसलिए वो मजदूरी पर नहीं जा सके। मैं तो दिवाली पूजन में देवी देवताओं को लड्डू मिष्ठान का भोग भी नहीं लगा सकी। सुमित्रा की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। देखते ही देखते तीनों देवी देवता अपने रूप में आ जाते हैं। अपने सामने साक्षात देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश और भगवान कुबेर को देखकर सुमित्रा और उसका पति चौंक जाते हैं। सुमित्रा, तुम ही तो चाहती थी कि आज हम तुम्हारे घर खिचड़ी का भोग खाने के लिए आए। देखो, तुम्हारा खिचड़ी का प्रसाद स्वर्ग में सभी देवी देवता प्रेम पूर्वक ग्रहण कर रहे हैं। और वास्तव में सुमित्रा का भोग लगाया खिचड़ी का प्रसाद स्वर्ग में सभी देवी देवता भी आनंद पूर्वक खा रहे थे। सुमित्रा, तुमने प्रेम पूर्वक हम तीनों का स्वागत किया है, इसलिए हम तुम्हारे घर से ऐसे नहीं लौटेंगे। उसी पल तीनों देवी देवताओं ने अपने हाथ आगे किए और उनके हाथों में से सोने के सिक्के गिरने प्रारंभ हो गए। देखते ही देखते सुमित्रा की झोली सोने के सिक्कों से भर गई। धन के भंडार भरने वाली देवी लक्ष्मी, रिद्धि सिद्धि के दाता,
वैभव देने वाले गणेश और धन समृद्धि देने वाले कुबेर आज उस गरीब की कुटिया में खड़े थे। सुमित्रा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, अब उसके पास सब कुछ था। उसके परिवार की दिवाली खुशियों में बदल गई थी। स्वर्ग लोक के देवी देवता भी आज उन देवी देवताओं पर फूलों की वर्षा कर रहे थे।